बच्चों, आज हम हिंदी कालांश में वसंत भाग एक पाठ छ पार नजर के इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ जयंत विष्णु नार्लिकर के द्वारा रचित है। इस कहानी में मंगल ग्रह के रहस्यमय जीवन को प्रस्तुत किया गया है। यह विज्ञान पर आधारित काल्पनिक कहानी है। इस पाठ में ऐसी स्थिति की कल्पना की गई है जब सूर्य अपना ताप और ऊर्जा समाप्त कर दे और लोगों को पृथ्वी के अंदर सुरंग बनाकर यंत्रों के सहारे जीवन बिताना पड़ जाए। तो चलिए आगे की जानकारी हम पाठ से ले लेते हैं। वह एक सुरंग नुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो, फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नज़र बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। शब्द तो देख लेते हैं, सुरंग नुमा यानी कि सुरंग जैसा, जिसे हम टनल कहते हैं। मना ही यानी कि मना करना, सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, वार्तालाप का अर्थ है बातचीत करना, चंद यानी कि कुछ, चुनिंदा मतलब चुने हुए, नज़र बचाकर यानी कि छुप कर, और हथियाना यानी हासिल कर लेना। यहाँ पर एक छोटू नाम का बालक यानी बच्चा है, तो वह और उसकी माँ के बीच रोज एक वार्तालाप होता था। जो कि छोटू है वो उस सुरंगनुमा रास्ते से वो जाना चाहता था सुरंग में, और उसकी माताजी है जो उसे मना ही यानी कि मना कर देती थी, क्योंकि वहाँ पर आम आदमी यानी कि आम आदमी के लिए उस रास्ते से अंदर जाना मना था। लेकिन छोटू ने एक दिन क्या किया, तो अपने पापा का सिक्योरिटी यानी जो सुरक्षा पास होता है वह लिया और वह लेकर फिर सुरंग में जा पहुँचा। फिर उसकी माँ उसे डांट रही थी कि तुम्हें कितनी बार समझाया है कि उस तरफ जाया मत करो, उस सुरंग के रास्ते की तरफ जाना नहीं है, फिर पापा क्यों रोज रोज जाते हैं? फिर वो अपनी माता से पूछता था, तो मुझे वहाँ जाने के लिए मना कर रही हो तो पापा क्यों वहाँ रोज रोज जाते हैं? फिर उसकी माता जी कहती, पापा का तो काम पर जाना होता है, पापा वही काम करते हैं तो उनको वही जाना है काम के लिए। यही बातचीत छोटू और उनके माताजी में हुआ करती थी। और उस तरफ एक जो सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा भी उसी रास्ते से होते अपने काम पर जाया करते थे, और जो आम लोग हैं, आम आदमी है, उनके लिए इस रास्ते से जाना मना था। चंद चुनिंदा जो चुने हुए लोग हैं, वही लोग इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल करते थे, और वह छोटू के जो पापा थे उस चुने हुए लोगों में से थे जो कि वह उस रास्ते से होके वह काम पर जाया करते थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम यानी कि विश्राम कर रहे थे। नज़र बचाकर यानी कि चोरी छिपे हुए छोटू ने क्या किया, पापा का सिक्योरिटी यानी जो सुरक्षा पास होता है वह हथिया लिया, हड़प लिया, और फिर वह पास लेकर सुरंग की रास्ते की ओर यानी कि सुरंग की तरफ चल दिया।
आगे देखिए, वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। उसे उठा लिया। कार उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका मिल गया था। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहां से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ाए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर ही रही थी। बस अब छोटू की खैरियत न थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। यहाँ पर अभी जो पंक्तियाँ मैंने पढ़ी है उनके शब्दार्थ देख लेते हैं और फिर बाद में हम स्पष्टीकरण करते हैं। प्रवेश करना यानी दाखिल होना, नजर दौड़ाना मुहावरा है, चारों ओर देखना निरीक्षक यानी कि जांच करने वाला, हरकत यानी कि हलचल, कद यानी कि ऊंचाई, गतिविधि का अर्थ है हरकत, खैरियत यानी कुशलता। अभी हम इन पंक्तियों का स्पष्टीकरण करते हैं। छोटू को मना करने के बाद भी वह अपने पापा का सुरक्षा पास जो होता है वह हथिया लेता है यानी हड़पता है और फिर वह लेकर वह सुरंग की दिशा की तरफ निकलता है। वैसे जो उनकी कॉलोनी थी वह जमीन के नीचे बसी हुई थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था उसके अंदर दिए जल रहे थे। जिस सुरंग से वो अंदर जाना चाहता था वही रास्ते पर दिए जल रहे थे, रोशनी थी वहाँ। और फिर प्रवेश करने से पहले, मतलब उस सुरंग में दाखिल होने से पहले एक बंद दरवाज़ा था, और उस बंद दरवाज़ा ऐसे नहीं खुलता था, तो उसमें एक छोटा सा खांचा बना हुआ था। जैसे हम एटीएम में है ना, यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ऑफिस में यानी कार्यालय में होती है, तो वहाँ पर क्या होते हैं, जो काम करते हैं सब उनके पास एक पास रहता है। जैसे हम लोग एटीएम में पैसे निकालने के लिए जाते हैं तो वो कार्ड जो है बीच में उस एटीएम मशीन में खांचा बना होता है ना, उस खांचे में कार्ड डालने के बाद फिर हम पिन कोड डालने के बाद फिर हमें जितने चाहिए जो कि पैसे हम उसमें से निकाल सकते हैं, वैसे ही खांचा यहाँ पर दरवाजे में बना हुआ था। फिर छोटू ने क्या किया, वह जो उसके पास कार्ड था उस खांचे में डाला और जैसे ही कार्ड अंदर डाला जो बंद दरवाज़ा तुरंत खुल गया और फिर छोटू ने उस सुरंग में प्रवेश किया यानी कि अंदर वो दाखिल हो गया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा और जो उसने पास वो खांचे में डाल दिया था वो अंदर वाले खांचे में वो जा पहुंचा। फिर छोटू ने उस पास को उठा लिया और जैसे ही कार्ड उठाया वैसे दरवाज़ा बंद हुआ। अब छोटू सुरंग के अंदर था। छोटू ने फिर चारों तरफ नज़र दौड़ाई, सभी ओर वो देखने लगा। सुरंगनुमा जो वह रास्ता था वह ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफर कराने का उसे मौका मिल गया था, क्योंकि वो लोग जो है वो जमीन के नीचे रहते थे और अभी वो सुरंग में आने के बाद उसे जमीन के ऊपर का जो सफर है
वह करने का उसे अच्छा मौका यानी कि अवसर मिल गया था। मगर कहा, क्योंकि जो उसे मौका मिला था, अवसर मिल गया था, उसके हाथ से फिसल गया यानी कि निकल गया, क्योंकि सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटों को थी नहीं। निरीक्षक यानी कि जांच करने वाले जो यंत्र वहां पर लगाए हुए थे, और फिर उस यंत्र जो लगे हुए उस छोटों को उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। मगर छोटू ने जैसे ही प्रवेश किया, जो पहला निरीक्ष यंत्र था उसे कुछ संदेहास्पद यानी कि कुछ हरकतें नजर आई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? छोटू तो वैसे था ही बच्चा, तो वहां पर जो भी काम करते हैं वो सब आदमी है ना, जैसे मनुष्य लोग काम करते थे। तो इतना छोटा सा बालक यानी कि छोटू जो है, उसका कद जो ऊंचाई तो सबसे छोटी थी, तो ऐसे छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? इस तरह से हरकत हुई जो कि पहले निरीक्षक यंत्र को पता चल गई। फिर दूसरे निरीक्षक यंत्र जो था उसने तुरंत छोटू की तस्वीर यानी कि फोटो खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। फिर अगर एक वहां पर एक नियंत्रण केंद्र था, वहां पर क्या हुआ, उस जो तस्वीर खींची थी एक दूसरे निरीक्षक यंत्र ने, उस तस्वीर यानी कि फोटो की जांच की गई और फिर खतरे की सूचना दी गई। अगर कई कई कार्यालयों में या जहां पर बहुत ही गुप्त तरीके से काम किया जाता है, वहां पर अलग अलग निरीक्षक यंत्र लगाए होते हैं, अगर वहां थोड़ी सी भी कुछ हरकतें दिखाई देती है तो खतरे की घंटी मतलब खतरे की सूचना वहां पर मशीनों द्वारा दी जाती है। वैसे ही यहाँ पर जैसे ही छोटू को देखा, छोटू की तस्वीर खींच ली, और फिर तस्वीर खींचने के बाद उनको लगा कि कुछ ये हरकतें अलग है, संदेहास्पद, शक के दायरे में है, तो फिर वहां पर खतरे की सूचना दी गई। इन सारी गतिविधियों से, ये जो सब हरकतें हो रही थी उससे, ये जो छोटू अनजान था उसे कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि यह निरीक्षण यंत्र क्या कर रहे, और वह आगे ही बढ़ता जा रहा था। तभी जाने कहां से सिपाही दौड़ चली आई। जैसे खतरे की घंटी बजी तो वहां पर जो सिपाही थे वो दौड़ के भाग के आए और छोटू को पकड़कर फिर उसे वापस उसके घर छोड़ आए। अभी घर पर माँ छोटू का इंतजार कर ही रही थी कि छोटू कब आएगा। बस अब छोटू की खैरियत न थी, यानी छोटू अभी कुशल नहीं होगा, क्योंकि वैसे ही उसकी माताजी ने उसे मना किया था कि सुरंग के रास्ते की तरफ जाना ही नहीं था। यह तो बच्चा अच्छा सुरंग में जाके आ गया था, तो इसलिए अभी माँ से अच्छे से उसे डांट मिलने वाली थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। अगर उस समय छोटू के पापा घर में नहीं होते तो छोटू को अपनी माँ से कोई भी बचा नहीं था, बहुत अच्छे से डांट मिल जाती थी, क्योंकि माँ के बार बार समझाने के बाद भी छोटू उनका कहना मानता ही नहीं था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। जैसे ही उनकी माँ छोटू को डांट रही थी, फिर पापा ने कहा कि छोड़ दो भी, मैं उसे अच्छे से समझा दूंगा और फिर ऐसी गलती कभी नहीं करेगा, वो वापस फिर कभी सुरंगनुमा रास्ते की तरफ नहीं जाएगा, पापा कह रहे थे। पापा ने छोटू को बचा लिया जो माँ डांट रही थी, तो फिर पापा ने क्या किया, छोटू को बचा लिया कि मैं समझा देता हूँ, वह ऐसी गलती फिर कभी नहीं करेगा। फिर बोले, छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ न, वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है, आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता, तो फिर आप कैसे जाते हैं वहां? छोटू का सवाल लाजमी था। मैं वहां एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ और इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है।
जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे, और इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, और इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने ही इस स्थिति का सामना किया। अभी इन पंक्तियों में आए हुए शब्दार्थों के अर्थ देख लेते हैं। क्षेत्र यानी कि स्थान, इलाका, लाजमी यानी कि जरूरी, मुमकिन यानी संभव, और पुरखे का अर्थ है पूर्वज, अक्षम यानी जिसमें क्षमता ना हो। छोटू के पापा ने उस दिन वो घर पर थे और छुट्टी थी, इसलिए वो आराम फरमा रहे थे। तभी छोटू सुरंग के रास्ते से सुरंग में गया था, और वहाँ के जो सिपाही थे उन्होंने फिर उसे पकड़कर उसके घर पर पहुँचा दिया था। तो माँ अभी उसे अच्छे से डांटने वाली थी, लेकिन पापा थे इसलिए उन्होंने माँ की डांट से छोटू को बचा लिया था। फिर वो छोटू को समझा रहे थे कि छोटू, मैं जहाँ पर काम करता हूँ वह जो क्षेत्र यानी कि स्थान जो है वह जमीन से ऊपर है, और वहाँ पर जो आम आदमी है वो नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ का जो माहौल है, जमीन के ऊपर का जो माहौल है यानी वातावरण है, उसमें वो जीवित नहीं रह सकता, मतलब जी नहीं सकेगा। तो फिर सवाल पूछा छोटू ने कि आप कैसे जाते हैं वहाँ पर? और छोटू का यह सवाल लाजमी था यानी कि जरूरी था। उसने वही पूछा, अगर वहाँ पर आम आदमी जीवित नहीं रह सकते तो आप कैसे जाते हो? वैसे छोटे जो बच्चे होते हैं उनकी जिज्ञासा और ज्यादा रहती है ना, हर एक बात या चीज है उनके बारे में उनको जानने का ज्यादा शौक होता है। वैसे ही छोटू सवाल पूछ रहा था, तो फिर वहां पर आप कैसे जाते हो? फिर छोटू के पापा उसे कह रहे थे कि वहां पर हमें एक खास किस्म यानी कि एक किस्म यानी कि प्रकार एक खास प्रकार का स्पेस सूट यानी कि एक पोशाक मिलता है, और वही पहनकर मैं वहां पर जाता हूँ। और इस स्पेस सूट से, मतलब ये जो एक पोशाक है अलग तरीके का, जो कि उस पोशाक से मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ, और इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। मतलब ये जो खास किस्म का यानी एक जो खास किस्म का स्पेस सूट है उससे मुझे ऑक्सीजन भी मिलता है, और जमीन के ऊपर जो ठंड है उससे भी मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है, और वहां पर जिस तरह से एक पोशाक है खास किस्म का, वैसे ही जूते भी है, और उसी जूतों की वजह से मैं जमीन पर चल सकता हूँ, मतलब मुमकिन यानी कि चलना संभव होता है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्होंने फिर यह भी बताया कि जमीन के ऊपर चलना फिरना उसके लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग भी दी जाती है। हर एक कोई काम करने के लिए, अगर हर एक का कार्यालय में अलग अलग तरीके का काम होता है ना, वैसे ही वहाँ पर काम करने के लिए पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है, वैसे ही इनको भी जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। छोटू यह सब कुछ बातें पापा की जो बता रहे थे वो अच्छे से सुन रहा था।
फिर पापा ने उनको आगे बताने लगे कि एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे। तो वो पापा बता रहे थे कि एक ऐसा समय था कि उस समय हम मंगल ग्रह के सभी लोग जो कि वो अभी जमीन के नीचे रहते हैं, तो वो पहले एक समय ऐसा था कि वो जमीन के ऊपर ही रहते थे बगैर बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद से। और तभी जमीन के ऊपर रहने के लिए उनको कोई यंत्र की मदद यानी सहायता नहीं पड़ती थी और ना ही खास किस्म के पोशाक की सहायता पड़ती थी जो कि अभी उनको पड़ रही है। जैसे छोटू के पापा खास किस्म का पोशाक पहनकर ही अभी जमीन के ऊपर जाते थे, लेकिन पहले समय में ऐसा नहीं होता था। हमारे पुरखे यानी कि जो उनके पूर्वज है वह जमीन के ऊपर ही रहते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। लेकिन पहले के समय के बाद और अभी क्या हो रहा था कि धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन यानी कि बदलाव आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे। पहले क्या हुआ था कि कई तरह के अलग अलग तरह के जीव धरती पर रहते थे, फिर एक के बाद एक सब मरने लगे और जो जीव थे एक के बाद एक करके सभी जीव मरने लगे। और इस परिवर्तन और इस बदलाव की जड़ यानी कि मूल में था सूरज में हुआ परिवर्तन। तो ये क्यों बदलाव हुआ? क्योंकि सूरज में परिवर्तन हुआ, सूरज में बदलाव हुआ और उसी की वजह से यह जो परिवर्तन है वह जीव जंतु पर भी निर्भर हुआ। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है और इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। छोटू के पापा छोटू को समझा रहे थे कि पहले वो जमीन के ऊपर रहते थे तभी वहाँ पर किसी भी खास किस्म की पोशाक की जरूरत पड़ती थी, ना जूतों की ना ऑक्सीजन के लिए किसी, तो इसलिए वो बोल रहे थे कि पहले के समय से और अभी में क्या हुआ बहुत बदलाव आने लगा। और फिर यह परिवर्तन यानी बदलाव की वजह से क्या हुआ एक-एक जीव मरने लगे, और यह इसलिए हुआ क्योंकि सूरज में हुआ परिवर्तन की वजह से। और सूरज से तो वैसे भी हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है और इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण भी होता है, और इसी तरह से जीव जो है उनका पोषण होता है। और सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया, और जैसे ही सूरज में बदलाव आने लगे और फिर वैसे ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया जिसे हम बैलेंस कहते हैं वो भी बिगड़ गया। और प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना, और जैसे ही यहाँ का वातावरण माहौल प्रकृति का बदल गया और उसी का सामना करने में यहाँ के जो जीव यानी पशु पक्षी पेड़ पौधे और अन्य जीव अक्षम साबित हुए, मतलब उनमें क्षमता ही नहीं थी जो बदल गया वातावरण है उसे वो सहन कर सके। और इसीलिए यहाँ पर पेड़ पौधे पशु पक्षी जो अन्य जीव थे वो अक्षम साबित हुए, उनमें क्षमता ही नहीं थी कि वो जीवित रह सके। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। छोटू के पापा बता रहे थे कि केवल सिर्फ हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने ही इस स्थिति का सामना किया। इस तरह से बच्चों और इस तरह से छोटू के पापा छोटू को समझा रहे थे कि हम अभी पहले जो हमारे पूर्वज थे जमीन के ऊपर किस तरह से रहते थे और अभी जो उनकी कॉलोनी थी वो जमीन के नीचे थी। इस पाठ से हमें जीवन मूल्य प्राप्त होते यह कि बाल मन जिज्ञासाओं से भरा होता है। बालक नई नई जानकारियां हासिल करना चाहते हैं। जिस तरह से छोटू हम देख ही रहे ना, छोटू को जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, इसलिए वो मना करने के बाद भी वह सुरंग के रास्ते की तरह जाना चाहता है क्योंकि उसे जानना है कि उस सुरंग में क्या है क्या क्या होता है। बालक नई नई जानकारियां हासिल करना चाहते हैं। जो भी उन्हें कुछ मालूम नहीं होते हैं चीजों के बारे में या वस्तुओं के बारे में, इसलिए वो क्या करते हैं नई नई जानकारियां प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों यह हमारा पाठ का आधा हिस्सा था।
आगे का जो भी शेष पाठ है, शेष भाग है, वह हम अगली कालांश में देखेंगे। तो मुझे आशा है कि जो मैंने आपको इस कालांश में जो जानकारी दी है वह आपको अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।